मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे होंगे, आप लोग भी अच्छे होंगे। और खुदाना में एक और दिन दिया, उसका शुक्रिया दिया। ये देखो सुबह सुबह बिल्ली की शरारतें, रबड़ से खेल रही है। ये देखो एक छोटी सी रबड़ से खेल रही है। काजल, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? कपड़े अभी इधर रखो उधर को। क्यों अभी इधर रखो उधर? खड़ा नीचे। दोस्तों सर्वाइकल बहुत बढ़ गया है, तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बैट पकोड़े। दिखाती हूँ आपको, ये देखो बच्चों के लिए बना रही बैट पकोड़े, खुशी और काजल और सारिका। अपने लिए क्या बनाएंगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, तो बच्चे खा लेंगे क्योंकि तीन बतख दोनों पड़ी हैं और मैं तो सो गई थी, लेकिन 3:30 बजे ये शुरू हो गए धम 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 जोत लेने आए हैं। जो देखो मेरे को भी बहुत पसंद है ये नवरात्रि वगैरह, मैं ये नहीं कह रही मुझे नहीं पसंद है, लेकिन देखो शांति से भी भगवान सुनते हैं, शांति से ही सुनते हैं भगवान। आपने कभी भोले शंकर को देखा हो चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहे? नहीं ना, तो अपने भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे 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 प्रार्थना करो, ऐसे पूजा पाठ करो कि किसी को तकलीफ ना हो। ऐसे मुझे तो मतलब इतना सर्वाइकल बढ़ गया है ना, मैं इन दिनों बड़ी परेशान रहती हूँ। किसी को बोल भी नहीं सकते हम लोग ना, ये देखो उनकी आस्था का है, लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उन लोगों से कि भाई प्लीज़ आप आराम से लेके जाइए जोत, अपना खूब नाचिए गाइए, है ना। नाचना ही गाना अच्छा लगता है, जब खुदा की भक्ति करते नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये जो जो से डीजे बजाते हैं ना, उससे बहुत तकलीफ होती है। जो हार्ट पेशेंट, मैंने आपको बताया हार्ट पेशेंट वालों को, मेरे को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर्वाइकल को ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है उससे। और बिल्कुल मैं तो किसी शादी में भी ज़ोर से गाने बजे तो मैं तो भी नहीं रहती, तो मैंने कर लेती हूँ वहाँ से। तो ऐसा नहीं, मुझे डांस वांस करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है कि हम ढोल ताशे से खुदा की वर्शिप करें, है ना, भगवान की। तो अच्छा लगता है, जैसे जागरण में होता है अच्छा लगता है, चर्च में होता है तो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो जो इतनी ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा के लेके आते हैं, ये बड़ा गंदा लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी ना कभी मेरी वीडियो देखोगे तो आप ये रिक्वेस्ट है कि आप आराम से लेके जाइए, है ना, अपने ढोल ताशे लेके आइए, उससे लेके माता को लेके जोत लेके जाइए। लेकिन जितनी जोर से डीजे बजाते हैं वो प्लीज़ उसको ना लेके आइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दोस्तों मैंने अपने लिए बनाया जो अगर अपने लिए बनाया चिल्ले, उसमें डाला है मैंने प्याज, कड़ी पत्ता, धनिया और धनिया नहीं आज और डाला है मैंने इसमें ब्रोकली। दिखाते को ये बना दिया मैंने हल्दी चिल्ला, तो मैं आज जो है चिल्ले ही खाएंगे कि चिल्ला खा लेंगे, बाकी सबका नाश्ता हो गया तो चलो। और आज पीने गुड़ की चाय, तो ये बन रहा है जॉय के लिए। फ्रेंड्स मैं किचन में खड़ी थी और इतना सर में, क्योंकि हम लोग ना नंगे पैर नहीं चलते हैं, तो फिर मैंने क्या करा, ये वाला कांटे वाला किचन में अपने पैर के नीचे बिछा लिया, जिससे मेरा ये जिससे मैं चलती रहूँगी यूं यूं करके। और मेरे इतने भी सर में दर्द हो रहा था और सर्वाइकल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं इस पर बहुत देर तक खड़ी रही किचन में करती रही काम। ये मेरा थोड़ा सा दर्द भी एकदम ठीक हो गया, तो थोड़ी भी तेल लगा के एक्सरसाइज करूँगी अभी। तो ये ना काट, हम लोग ना पैदल नहीं चलते हैं, हम लोग पहले के कितना पैदल कोई चप्पलें पहन के घूमते थे, कोई भी नहीं घूमता था, तो हम लोग ऐसे ही पैदल चलते थे खूब, घर में भी नंगे पैर घूम रहे हैं, मिट्टी में चल रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, चप्पल पहन रहे हैं, वो भी रबड़ की चप्पलें पहनना, प्लास्टिक की चप्पल पहनना, उससे क्या होता हमारे और हमारी गर्मी हो जाती थी दिमाग में सर में। तो इसलिए मैं सोचा मैं कुछ दिनों नंगे पैर चलूँगी, उससे एकदम से मेरा सर दर्द ठीक हो गया। तो मैंने अभी दोस्तों हेल्दी अपना नाश्ता खाया, बहुत ही टेस्टी था चिल्ले, और इतना हेल्दी था वो, एक चिल्ले से ही पेट भर गया।
कि ऐसे ही मैंने गाजर कद्दूकस करके उसमें डालना चाहिए, मटर डाल दो, तो ये चीज़ें खानी चाहिए। मतलब देखो ऐसा जब हमें तेल भी नहीं खा सकते उसमें, यार तेल भी नहीं लगता है, तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना। बच्चों ने तो ब्रेड पकौड़े खाए, वैसे आज मुझे बनाना था उनके लिए ब्रेड रोल, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि उसको फिर आलू उबालने पड़ते, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जल्दी जल्दी मैं उन लोगों को ब्रेड पकौड़े खिला दिए बिना आलू भरे हुए, तो उन लोगों ने खा लिए हैं। तो अब शाम को देखो क्या बनाती हूँ, शाम को बनाऊँगी चावल और अपना कढ़ी। ये लोग तो मीट खाएंगे नहीं क्योंकि मैंने कल भी नहीं खाया, तो मैं दोपहर में खाऊंगी अपने चावल और मटन, इन लोगों के लिए कढ़ी बनाऊंगी। दोस्तों मैं बना रही चुकंदर और गाजर का जूस, दिखाती हूँ। चुकंदर और गाजर, दोस्तों कभी भी ना चुकंदर और गाजर का जूस बनाना चाहिए साथ, चुकंदर का अकेले नहीं बनाना चाहिए, ये तो बहुत गलत है, नुकसान करता है। तो आप हमेशा चुकंदर में गाजर डाल लीजिए या कुछ और, मतलब और फ्रूट डाल लीजिए तो वो अच्छा होता है। तो मैं इसका जूस बना रही हूँ। मैं कढ़ी चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए हैं, तबीयत तो ख़राब हुई है, लेकिन कढ़ी हर संडे बनती है क्योंकि बच्चे को अच्छे लगते तो खा लेते हैं, तो कढ़ी बन रही है। अभी जूस चुकंदर गाजर का जूस बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने बना दिया जूस, चार गिलास जूस बन गया है, पाँच गिलास बन गया, तो हम सभी पियेंगे। ये कितना हेल्थी है देखो दोस्तों। अब इसका जो बचा हुआ उसका मैं फेस पैक बना लूँगी, अपने फेस पे लगा लूँगी। तो देखो अब मैं इन सबको जबरदस्ती पीना पड़ेगा ये। तो दोस्तों बाहर का मौसम कितना बढ़िया हो गया है, लगता है आज भी बारिश आएगी। बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही सुंदर। अभी धूप निकल रही थी लेकिन अब पूरा बादल हो गया देखो, तो लगता है बारिश होगी। देखो पहले ना कड़ी पत्ता मुझे दूसरों के यहाँ से लाना पड़ता था, लेकिन देखो कितना बड़ा हुआ है कड़ी पत्ता। अब जरा से कुछ चीज़ें बनाती हूँ, कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, तो कई बार लोगों की बातें सुननी पड़ जाती, तोड़ो अभी मत तोड़ो, ये मत तोड़ो। मैंने अपने घर में कड़ी पत्ता लगा लिया छोटा सा, मैंने इसके बीज जगह जगह लगाए। तो 25 तारीख को हम जो है अंकल के घर जाएंगे, जो है सर के घर, तो उनके लिए भी कड़ी पत्ता लगाया है उन्होंने बोला था, और तुलसी भी लगाई है। सागर तूने पी लिया पहले पी, तो इसलिए गाजर चुकंदर का जूस अपने घर में बनाओ, बहुत ही अच्छा होता है, तो हेल्दी भी रहता है। चाहे हफ्ते में दो या तीन दिन के बाद छोड़ छोड़ के बना लो। ये और जो बचा है उसको मैं थोड़ा सा मुँह पर लगा लूँगी, अपना फेस पैक बन जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अभी मैं सोची एक गमले में मैं लगा लूँ थोड़ा सा धनिया, क्योंकि देखो धनिया ना हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, छोटे छोटे अपने बाहर से लाना पड़ता है 5-10 रुपये में, तो एक गमले में सोची मैं धनिया लगा लूँ। थोड़ा बहुत बंदर उसे डर लगता है कि बंदर तोड़ देते हैं, पर मैं तो उस पौधे को अंदर ही रखूँगी। बाहर का मौसम इतना अच्छा हो गया है दोस्तों, इतना बढ़िया ना, बहुत सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये ना गत्ते का गमला है, हमें किसी ने दिया था, तो मैं सोचती हूँ इसको मैं यूज़ करूँ। ये जो मैं फूल लाए थे डी मार्क से, इसको इसमें लगाने, ये जो पत्थर है ये भी मुझे किसी ने दिए थे, इसके अंदर पत्थर है, तो मैं सोची इसमें डाल और इसमें लगा देती हूँ गमले का, क्योंकि इसको तो पानी वाला गमला नहीं बना सकते, तो इसे डाल के। ये तेरी बोतल है ना भाई, तो ये खराब हो गई है? खराब हो गई थी जब ही तो करिए। क्या खराब हो गई थी? खराब हो गई थी। क्या खराब हो गई? खूब नीचे से खुल जाती है, खोलो। क्या खराब हुई थी इसमें? ऊपर से खराब हो गई थी या नीचे से खराब हो गई थी? पानी लीकेज होता था? पानी लीकेज है। बोतल है बड़ी अच्छी, कांच की बोतल है, तो उसको मैं रख लेती हूँ, फेंकूँ भी नहीं। कांच का समोसा मुझे बहुत पसंद है, और इसमें सोची मैं ये इनको फिट कर देती हूँ, अगर लग जाए तो ऐसे करके कुछ करती हूँ। मैं भी पत्थर मिल जाते और पत्थर जी होंगे, तो मैं सोची ये डाल दूँ। क्या ये? ये है वो रीठा, इसका मुझे शैम्पू बनाना है,
कढ़ाई बना नहीं पा रही, मैं किसी से बना लेती हूँ। वो तो इससे थोड़ा रुकेंगे, वो रुक जाएंगे इससे पेड़े। तो देखो दोस्तों अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया अभी। इसके ये कब लाई तुम? तो मुझे शैम्पू बनाना है अभी, तो बनाती हूँ बाद में। ये गमले की मैं आज एक में लगाती हूँ थोड़ा सा अपना धनिया, इस वाले में धनिया लगा देती हूँ और उसको अंदर की साइड देती हूँ ताकि बंदा ना तोड़े। चलो देखो दोस्तों बारिश आ गई है, मैंने कहा था ना बिल्कुल अंधेरा हो गया, घटा छा गई है और बारिश आ गई। देखो देखो नीचे पूरी बारिश आ रही है और मैंने धनिया लगा दिया है इस गमले में थोड़ा बहुत घर के लिए। हाय गाइस, हाय गाइस, और कुछ पढ़ाने जा रहा गाइस, पर पढ़ रही हूँ गाइस, और बारिश हो रही है गाइस, और फिर पेपर है पता नहीं क्या होगा। देखो दोस्तों योगेश आए, ये भी मेरा बेटा है, इसको भी बचपन से जाते हैं, ये भी ब्लॉगर है, क्या नाम है योगेश? योगेश आपका, योगेश ब्लॉग। हाँ आपका योगेश ब्लॉग, मैं भी इसका ब्लॉग लाइक करती हूँ, देखती भी हूँ। तो आज हमारे घर आया जो आपका बचपन का फ्रेंड है, जो है दो ही फ्रेंड है, एक नानू और एक योगेश। इसकी भी शादी हो गई है, इसको थोड़ा सबक सिखा के जल्दी शादी कर, है ना, इसका भी बच्चा है, इतना प्यारा है, बीवी सबक सिखा, सबक सिखाना। तो इसलिए दोस्तों हम लंच टाइम पे आया, तो हम लंच कर रहे हैं साथ में, मेरे को भी दिखा रहे हैं कढ़ी चावल, कढ़ी चावल, और मैं थोड़ा मैंने कल मीट बनाया था, मैंने दिखाया था, तो मैं खा रही हूँ। देख लो भाई हमें, हम तो कढ़ी चावल खा रहे हैं और खुशी मम्मी और पापा मीट खा रहे हैं। चल रही है, नहीं खाते नहीं है, पेट में तबियत खराब होने के बाद ही मैंने खाना बनाया, नाश्ता बनाया, अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। तो भाई दोस्तों का ब्लॉग भी लाया, योगेश का ब्लॉग भी लाइक करना, आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जितना हो सके व्यूज डालना ताकि इनकी इंक्रीज हो और आपकी इनकी मेहनत खराब ना जाए, और आप देखिएगा व्लॉग अच्छा रहेगा। पानी। चलो दोस्तों खाना पीना हो गया हमारा, और तो आज पहाड़गंज गए थे तो थक भी गए, अभी भी आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो चलते आपको करते गुड नाइट। आज का दिन भी अच्छा ही रहा क्योंकि आज सर्वाइकल तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी मालिश वालिश करी सो ठीक हो गया, और मैं नहा भी ली तो ठीक है। अब तो हम करते हैं आप लोगों को गुड नाइट, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, जो अभी थोड़े बहुत लोग कर नहीं रहे, जो खास है वही कर जा रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, उस प्यार के लिए आपका धन्यवाद, और खुदा का शुक्र है कि आज उन्होंने हमें एक दिन दिया। तो आप लोग को खुदा, कल खुशी का और काजल का पेपर भी है, तो उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक कह दो। हेलो काजल, खुशी थैंक्स, तो गुड नाइट कर दो भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। तो कल इनका पेपर है, आप लोग दुआ करना, और मिलते हैं सब आपको, गुड नाइट, और बहुत बहुत आशीष दे आप लोग को, खुदा अगर जिंदा रखेगा तो, जिंदा रखता है तो हम उसका धन्यवाद करेंगे, दूसरों को देखेंगे। करते हैं आप सबको गुड नाइट, बाय।